अटोड़े। क्या लग रहा वर्धा में माहौल और महाराष्ट्र का क्या होगा? महाराष्ट्र में फुल सरकार बीजेपी का। अच्छा। फुल सरकार। यहाँ कुछ लोग उद्धव ठाकरे वाले बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं है, सब अपना क्या बोलते पंकज बहू की फुल हवा है। पंकज बहू का विकास है, जो 60 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया उतना बीजेपी ने काम किया। अच्छा। फुल फडणवीस साहब का कैसा काम है? फडणवीस का कैसा है? फडणवीस मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, पर लेकिन फडणवीस के जो तत्व है अपने को नहीं पड़ता। जो नितिन गडकरी का काम है, एक नंबर काम है नितिन गडकरी का। क्या चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार महाराष्ट्र का? मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे, लड़की बहन है ना। अच्छा, 1500। और मैं दूसरी बीबी करने वाला हूँ, क्योंकि 1500 रुपये मिल रहे हैं ना। अच्छा। है कि नहीं? दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ, दूसरी शादी। अरे भाई साहब, दूसरी शादी 1500 रुपये मिल रहे हैं? 3000 हो जाएंगे। 3000 भाई साहब, ये तो नया रोजगार खोल लिया। बिल्कुल 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 पक्का। महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार बैठना है तो बैठना ही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारी आ रही है। कौन? उद्धव ठाकरे गए काम से। दो बाला साहब ठाकरे थे, वो उद्धव ठाकरे की बराबरी नहीं करते। संजय भाऊ का क्या होगा? संजय राउत जी का। संजय राउत वो खत्म आदमी है, वो खत्म आदमी। बयान देते रहते हैं मीडिया पे, वो मेंटल नहीं है, वो मेंटल नहीं है, वो कुछ नहीं चलता उनका यहाँ जो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी। तो ये बताइए, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा चलाते हैं, वो कौन सा धड़ा चला रहा? शिंदे साहब चला रहे हैं उद्धव ठाकरे? शिंदे साहब। अच्छा, तो तमाम आपके शिव सैनिक होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, वो अपनी सोच रही थी। मैं तो एकनाथ शिंदे का आदमी हूँ। उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया? उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। हालचाल भाई साहब? हालचाल तो ठीक है। सरकार का हालचाल क्या होगा? सरकार ठीक है ना? यही ठीक है। हाँ, बीजेपी सरकार ठीक है। काम किया बीजेपी? हाँ, विकास का काम किया ना। नाम तो महाविकास अघाड़ी दूसरे गठबंधन का है। नहीं नहीं, विकास किया अभी 10 साल में उसने, जो विकास किया है अभी तक नहीं किया ना उसने, बाकी पक्ष ने। उद्धव ठाकरे जी आपके मुख्यमंत्री रहते 2.5 साल? नहीं नहीं, काम नहीं किया। जो बीजेपी कर रही बाकी कोई नहीं कर रही। अच्छा, मतलब बीजेपी अच्छा काम। हाँ, तो यहाँ वर्धा में क्या चल रहा है? कमल है। नाम क्या भाई साहब? भगीरथ वानखेड़े। वानखेड़े साहब किसकी सरकार बना रहे हैं? यह सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। भाई साहब तो बोल रहे थे बीजेपी, जो आप अपने बात करते, हम भी एक्सपीरियंस होल्डर है, उम्र है मेरी 68। अच्छा। और 76 साल से मतदान करता हुआ आया हूँ। हाँ, जो अच्छा सरकार। क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे? हम पंजा को मतदान करेंगे भैया। हाँ, मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे बोले तो देखो, अब तेल का भाव बढ़ गया, लाड़की बहन के वजह से हम जो विधवा आया उनके पगार नहीं मिल रहे, ये मातारे आदमी जो है बुड्ढे उनका पगार रोक गया, और इन्होंने उस वो पलटी करके इनके घर में भर दिया, तो ये क्या सरकार है? अरे ये तो खराब सरकार है, ये जाने वाली सरकार है, ये रहने वाली सरकार नहीं है। आने वाली कौन सी सरकार? ये आने वाली पंजा कांग्रेस का सरकार होना है, यहाँ पे महाविकास अघाड़ी का सरकार होना। जो यहाँ से आपके विधायक हैं बीजेपी के, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अच्छा काम कर रहे हैं, आप पंजे को वोट दे रहे हैं? हाँ, कौन सा ये क्या विधायक बोलो? विधायक ही तो। अरे हमारे अन्नाभाऊ ठाकरे का पुतला 3 दफे गिन के लेके गए, उनका कंपाउंड हॉल बनाना वो छोड़ दो, अभी निवेदनों का ही सामने हम बना के देंगे। बोलो अन्नाभाऊ ठाकरे का जयंती का कार्यक्रम था, मैं बना के दूंगा बोले, लेकिन सिर्फ गिन के लिए मोबाप लिया, लेकिन बना के नहीं दिया। अच्छा। फिर ये कांग्रेस का पंजा चाहिए आपको? हमको कांग्रेस का पंजा चाहिए। दिनेश भोरे। तो भोरे साहब, किसकी जीत हो रही है चुनाव में? अभी तक भाजपा वाले हैं, अभी भाजपा की चालू है अभी, अभी आगे देखेंगे अभी क्या होता। तो भाजपा ने काम किया है? काम तो किया है, पंकज भोरे आमदार, काम चालू है अभी। अभी 10 साल हो गए उनको, 5 साल हो गए काम किया, लेकिन 5 साल में अभी काम दिखा नहीं उनका। अभी ये बताइए, क्या लग रहा महाराष्ट्र में किसकी सरकार अच्छी लगेगी आपको? महाविकास अघाड़ी की जो गठबंधन बनाया उद्धव ठाकरे वाला, या महायुति? लेकिन उनका गठबंधन अभी तैयार नहीं हुआ ना। अच्छा, अभी महाविकास अघाड़ी का चालू है ना,
अभी जब बनेगा तब मालूम पड़ेगा कौन किसको सीट मिलती किसको क्या मिलती है। अभी सिटी में मिली उनको, अभी पंकज भोर को सीट मिली यहाँ पे। तो जो गठबंधन बना है ये उद्धव ठाकरे का, खुश हैं इससे आप? नहीं, खुश तो है, उद्धव ठाकरे की सरकार आनी चाहिए, अभी देखेंगे क्या होता। तो ठीक ठीक, इस बार मेरे को तो लगता है तो कांग्रेस की सरकार बनी। क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस? क्योंकि अभी तक उन्होंने काम अच्छे नहीं किए, उनके वजह से पूरे महंगाई बढ़ गई है, इसके वजह से फिर बहुत परेशानी हो रही लोगों को, इसलिए हमको कांग्रेस की सरकार होना खटाखट। हाँ, खटाखट खटाखट होना। हाँ, संजय उमाटे। तो ये वर्धा विधानसभा सीट में आ रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है किसकी जीत होगी यहाँ से विधानसभा में? यहाँ पे कमल की, बीजेपी की। यहाँ सारे कमल वाले मिल रहे हैं। हाँ, कमल का ये जिला है ना। पंकज जी ने काम अच्छा किया? हाँ, अच्छा किया काम। क्या क्या काम किया? ये पुलिया के पास का काम किया, इधर पवनर में ब्रिज का काम किया। काम है उसका, काम है उनका। और जो उद्धव ठाकरे जी हैं? उद्धव ठाकरे जी नहीं चलते यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे। वो तो ढाई साल आपके मुख्यमंत्री रहे यहाँ? ढाई साल रहे लेकिन काम नहीं ना उनका। संजय राव जी का क्या होगा? संजय राव जी गए, घर में सो जाएंगे वो। अच्छा, वो तो बयान देते रहते हैं, देश में छाए रहते हैं। वो तो रहते हैं, उनका काम ही है वो करना। यहाँ कोई नहीं जानता उनको? नहीं। नैनेश्वर भूरे। तो क्या लग रहा है सर, 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान है पूरे महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आएंगी। बीजेपी की? हाँ। काम किया बीजेपी ने? हाँ किया। क्या क्या? बहुत सारा काम किया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। वो कह रहे होंगे लेकिन दुनियादारी को मालूम है ना क्या किया क्या नहीं किया। तो जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब आपके वर्धा में कुछ काम किया उन्होंने? उद्धव ठाकरे हुआ ना थोड़ा बहुत हुआ काम। तो क्या कहेंगे बाकी लोगों से जो महाराष्ट्र की जनता है, किसे चुनना चाहिए इस बार? बीजेपी आने को ना। बीजेपी आने। हाँ, आरती वाघमारे। क्या लग रहा किसकी जीत हो रही चुनाव में? अभी तो ऊपर की तो वो आ गए ना, उतारी आ गई। और अभी विधानसभा में कमल को दे दे वोट। फूल काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं ना। क्या क्या काम कर रहे हैं पापा? अभी हटके हो रही है सभी, तो हो रही है सभी, हो रही है। कुछ लाभ मिल रहा सरकार का? हाँ। क्या क्या? कर्ज माफी हुई, ये अभी 5-5 हजार रुपये ये आए, कैश मिल रही है, सम्मान निधि मिल रही है। हाँ, जो 2-2 हजार रुपये मिलते हैं। हाँ, ये एक साल के 8 हजार, 6 हजार। हाँ, 6 हजार आते वो भी आ गए। अब ये बताइए जो महिलाओं को 1500 रुपये दे रही है लाड की बहना योजना, उससे खुश है परिवार में? हाँ है ना। हाँ, धन्यवाद। नाम क्या आपका? हरीश जिंदे। अब ये बताइए आपके यहाँ चुनाव है 20 नवंबर को महाराष्ट्र में। हाँ। ये वर्धा सीट है। हाँ। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है यहाँ? इधर तो शायद पंकज भोर का, इधर ये लग रहा है। अच्छा, बीजेपी का? बीजेपी का। काम किया उन्होंने अभी यहाँ विधायक है? हाँ, भाई बहुत साल काम किया, बहुत बार काम किया उन्होंने। क्या क्या काम किया? ये अभी रस्ते वस्ते बांधकाम, ये इधर उधर सब काम किया उन्होंने। पिछले 2 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, सिंधे साहब की सरकार है, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है ना। उद्धव ठाकरे का क्या होगा फिर? ये मेरे को नहीं लगता, इधर शिवसेना चलेगी करके। यहाँ नहीं चलेगी? नहीं। ठीक। आपका नाम क्या है सर? सर हमको जाना है, अभी बाद में बात करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार चाहिए अभी? किसकी सरकार बननी चाहिए अभी? ये हमारी बैद्यनाथ। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार महाराष्ट्र? मालूम नहीं, हम मजदूर आदमी, हमको मालूम नहीं, उनसे लो, उनकी समस्या लो। आपका क्या लग रहा है? अब जो भी आ जाए सरकार वही आएगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कांबड़े। बताइए सर, महाराष्ट्र का चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी, महाविकास आघाड़ी या महायुति की जो सरकार चल रही है अभी? महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या किए इन्होंने महायुति ने, एक दूसरी पार्टी को तोड़ के जिसके ऊपर 70,000 करोड़ घोटाला बोल दिए,
और वही आदमी अपने वॉशिंग मशीन में ला के धो के अपना आदमी बना लिए। हाँ, जितनों को चोर बोले वही घर में ला के अपना अपनी बहन से राखी बंधवा लिए, भाई है मेरा सगा भाई है, बना दिए। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने देखो, जो कोविड का पीरियड था उस वक्त में आप गंगा में लाशें बह गई यूपी में, वो नहीं कोई दिखाता, झूठी खबरें थी, झूठी खबरें थी। अच्छा, अब वो झूठी खबरें थी, दैनिक भास्कर ने दिखा दिया तो बाद में उसके ऊपर एक्शन लिया और बाद में उसी को कोई एडवर्टाइज नहीं दिया और फिर दैनिक भास्कर को एडजस्टमेंट करके सेटल करवा लिया, फिर दैनिक भास्कर उनका हो गया। तो दैनिक भास्कर वाला क्या जब तक दिखाया था वो झूठी खबरें दिखा रहा था, और जो सारे ही न्यूज चैनलों ने दिखा दिया वो लाशें दिखी, वो क्या झूठी थी क्या? अभी भी है वहाँ पे, तब वो तो देखेंगे, वहाँ के योगी सरकार देखेंगे। अब तो योगी सरकार के एक मंत्री ने वहाँ पे दिखा दिया कि ये जो बहराइच वाला कांड है वो तो उनके 8 मंत्रियों के ऊपर और विधायकों के ऊपर इल्जाम लगा दिया, क्या करेंगे योगी जी? कहाँ से सुना आप? कहाँ से सुना? कहाँ से सुना? अब अगर कहाँ से सुना ये सवाल पूछते हैं आप, तो कोई भी नेशनल मीडिया तो नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। अब ये बताएं, जैसे उद्धव ठाकरे जी थे वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, पर बाला साहब ठाकरे तो कांग्रेस को लेकर अलग विचारधारा रखते थे, वो तो कहते थे जब भी पार्टी इसमें शामिल होगी मैं खत्म कर दूंगा। ये तो बात उनकी, उन्हीं को पता है, बाला उद्धव ठाकरे जी को ही पता है। लेकिन यही तो गडकरी जी यानी बीजेपी वाले जो थे शिवसेना के साथ में जब साथ में चल रहे थे तब अच्छा लगा, ये उन्हीं का घर तोड़ने की कोशिश किए। बाद में हुआ जब 2.5 साल, तब भी पहले भी वही बात हुई थी ना। अब हमको तो नहीं पता कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के घर में जो मीटिंग हुई बोलते। अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं उसमें ये कहा था अमित शाह ने, पहले जो बयान दिया था उन्होंने ना, कि मतलब उन्होंने ये कहा था कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा चुनाव के बाद, लेकिन उन्होंने अब ये स्पष्टीकरण दिया है कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका मुख्यमंत्री बने। अब ये तो राजनीति करने वाले ही जानेंगे क्या बोलना है क्या झूठ बोलना है, ये तो उनका राजनीति करने वालों को पता है, आम आदमी को इतना नहीं जानते। ठीक, धन्यवाद भाई।